गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन. दिस इज़ सेकेंड वीडियो रिलेटेड टू गिविंग यू गाइडेंस फॉर द दिवाली होमवर्क. दिस इज़ इंग्लिश फेरी मॉडल टेस्ट पेपर सेक्शन बी. विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर फोर. ओके, क्वेश्चन नंबर फोर इज़ टू ऑप्शंस. द फर्स्ट ऑप्शन इज कंप्लीट द स्टोरी इन 150 to 200 वर्ड्स. ये स्टोरी के दो लाइनें आपको आगे फिनिश करना है. सो आई रेड द न्यूज़पेपर वंस अगेन. आई रियली कुडंट बिलीव माई आईज. द एडवर्टीजमेंट रेड यंग ऑथर टेक्स द सिटी बाय स्टॉर्म एंड देयर वॉज माई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड नेहा सिटिंग एट स्माइलिंग एट द कैमरा. आई पिक्ड अप द फोन. सो कहानी का इतना पोर्शन से आपको क्या पता चलता है कि जो नरेटर है यानी कि आप खुद, क्योंकि नाउ यू आर राइटिंग द स्टोरी, आपने देखा कि योर फ्रेंड नेहा, लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड यानी कि पुरानी फ्रेंड है, अभी आप उससे बहुत टच में नहीं हो. शी यंग ऑथर टेक्स द सिटी बाय स्टॉर्म एंड शी इज़ देयर स्माइलिंग एट द कैमरा. दैट मीन्स नेहा इज़ अ वेरी फेमस ऑथर नाउ और उसका आर्टिकल जो आया है वो न्यूज़पेपर में आया है. ओके, तो दिस इज़ द स्टोरी सो फार. अब नाउ यू आर पिकिंग अप द फोन यानी कि अब आप नेहा से बात करते हो. ओके, सो ये स्टोरी इस एंगल में जाती है. आप कोई यू कैन टेक सम अदर एंगल टू द स्टोरी. आई पिक्ड अप द फोन. आप नेहा को कॉल करने के बजाय आप किसी और को भी कॉल कर रहे हो और उसके आगे आप अपनी स्टोरी डेवलप करो. सो दिस इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन हाउ यू टेक अप द स्टोरी. ओके, आई विल शेयर माई इमेजिनेशन एंड आई जस्ट गिव यू द बेसिक हिंट्स. ओके, सो आई पिक्ड अप द फोन. आई एम कॉलिंग नेहा. नाउ हाय नेहा, देन आई विल टेल दिस इज प्रीति योर फ्रेंड. रिमेंबर वी वर, यू कैन राइट वी वर क्लासमेट्स इन विच क्लास और इन विच स्कूल. वी वर कॉलेज मेट्स. वी वर देयर इन BSc टुगेदर और वी वर इन MSc टुगेदर, वॉट एवर. और इफ़ यू कैन ऑल्सो रिफर टू नेहा एज समवन हु वर्कड विथ यू इन सम पर्टिकुलर ऑफिस वेयर यू वर्कड. ओके, इस तरह से आप अपना इमेजिनेशन कर सकते हो. आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड दैट यू आर बिकम अ ऑथर. यू आर राइटिंग स्टोरीज. देन यू कैन डिस्कस कि आप अभी नेहा कौन सी सिटी में और आप कौन सी सिटी में हो. यू कैन बी इन डिफरेंट सिटीज़ और यू कैन बी इन सेम सिटी. यू कैन टेल मोर अबाउट योर सेल्फ दैट यू आर इन दिस प्लेस. यू आर दिस इज़ योर करियर, दिस इज़ योर प्रोफेशन एंड यू आर लिविंग इन दिस सिटी एंड यू जस्ट रेड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर. समथिंग लाइक दैट यू कैन मोर टेल मोर अबाउट योर सेल्फ. देन यू कैन आस्क नेहा मोर अबाउट हर सेल्फ. How did she started her writing career? What are the stories? What are the books that she has written? And her struggle and hard work into writing the books. So these two, you can give 4-5 sentences each. Then you can discuss about your personal life, like common friends. You, if you are a girl, boy, whatever, you must be having some common friends. So Neha aur aapke jo bhi common friends hain, unke baare mein kuch discuss kar sakte hain. Aap dono friends hain. तो आप अपने अपने पेरेंट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं. वेयर आर दे, हाउ आर दे, योर मैरिटल स्टेटस. बिकॉज ये लेटर देख के ऐसे ही लग रहा है कि दो एडल्ट्स हैं. नेहा इज़ अ राइटर, दैट मीन शी इज़ एन एडल्ट. ओके, सो तो आप भी एडल्ट हो तो आप अपने मैरिटल स्टेटस डिस्कस कर सकते हैं कि वेदर यू आर मैरिड और नॉट, यू आर हैविंग किड्स एंड हाउ मेनी किड्स. सो इन दिस वे यू हैव टू इमेजिन एंड देन इन द एंड यू कैन discuss that yes, we should meet somewhere. They can, you can set up a date, time and place, etc. to meet Neha. In this way, you can finish your phone call. So this is a phone call. Okay. So this finishes the first option. Now second option is a photo, and on the basis of photo, you have to develop a story. Discuss a short story in 150 words based on the given visual. बेस्ड ऑन दिस, अब इसमें क्या लग रहा है कि एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है जिसमें सब एज ग्रुप के बच्चे बैठे हैं और वो पढ़ रहे हैं. इट अपीयर्स दैट इट्स अ वेरी लो इनकम स्कूल बिकॉज बच्चे नीचे बैठे हैं एंड दे आर नॉट इन ऑल आर नॉट इन प्रॉपर यूनिफॉर्म. इट ऑल्सो अपीयर्स दैट देर इज़ वेरी पुअर लाइटिंग इन द रूम. सो according to my imagination, I will write. You also can have something of your imagination based on the photo. फ़ोटो के बेसिस पे एक आपको स्टोरी डेवलप करनी है. सो मैंने ये फ़ोटो डेवलप स्टोरी की है कि आई जो ये फ़ोटो देख रहा है, ही इज़ समवन हु वेंट टू हिज विलेज इन द समर वेकेशन.
So this is how my story starts. I went to my village near. You can specify the place. कौन से place में आप गुजरात में summer vacation में गए. So I was really horrified to see the situation in government school and villages. You can give more details. There was no furniture. There were combined classes, poor ventilation and lighting in the classrooms. There were no sports or extracurricular activities. Mixed age group, yani suppose 5-year student and 12-year student all will sit together. There was also lack of competent faculty. That means there were no good teachers, or the teachers were absent. The absenteeism of students as well as teachers in the school. Absolute lack of motivation by the teachers. Students, government school mein there is a situation that children come for midday meal. Midday meal matlab dopahar mein unko khana milta hai, to kai bar bacche isi ke liye aate hain. Because they come from all from very poor backgrounds. There were unhygienic conditions in the food prepared in the midday meal. So all these things you can discuss. Of course, you can give your own ideas also. And then you can end that, you give the ending paragraph that you were really upset with this, all this, and you spoke to your father about it. So his father said, let's go and meet the sarpanch and the education officer of that village. And then you could find out some solution. Okay, this is how your story will be. There you can give a positive ending to the story that yes, they met the education officer and he said that we are going to improve the situation in our school. Or you got to meet a affluent businessman in the village who could give some donation to the school. Something like that you can give ending to your letter. So students, main writing section, I have given you guidance. I hope you will be able to finish your work with the help of this, and all other homeworks also you have to finish promptly. I am sure most of you would have finished by this time. Thank you.